नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कैल्केनियल फ्रैक्चर्स के बारे में ये पार्ट टू है तो आज हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर 25% परसेंट फ्रैक्चर्स होते हैं जैसे कि एवल्जन इंजरी हो गया एंटीरियर प्रोसेस का बाय बाइफर्केट लिगामेंट सस्टेंटेनिकुलम टेला फ्रैक्चर कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर टेंडन का एवल्जन होता है इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर देखे तो ये सेवेंटी फ्रैक्चर्स होते हैं एसिक्स लोप्रेस्टी क्लासिफिकेशन सबसे कॉमन है तो प्राइमरी फ्रैक्चर लाइन रन करती है ओब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर फेसेट इससे दो फ्रैगमेंट फॉर्म होते हैं और सेकेंडरी फ्रैक्चर लाइन रन करती है इन वन ऑफ द टू प्लेन्स या तो एक्सेल प्लेन बिनीथ द फेसेट एग्जिट करती है पोस्टीरियरली इन टंग टाइप फ्रैक्चर जब सुपीरोटरल फ्रैगमेंट और पोस्टीरियर फेसेड अटैच रहते हैं ट्यूबल ट्यूबरसिटी को पोस्टीरियरली या तो बिहाइंड पोस्टीरियर फेसेट इट कैन कॉज जॉइंट डिप्रेशन फ्रैक्चर प्रेजेंटेशन देखें तो पेन होता है स्वेलिंग होता है हील में इन एबिलिटी टू बेयर वेट होता है ग्रॉस डिफॉर्मिटी होता है और ओपन फ्रैक्चर्स में ब्लीडिंग uh, देख सकता है और बोन एक्सपोज हो सकता है फिजिकल एग्जाम करें तो एक्कीमोसिस और स्वेलिंग दिखता है शॉर्ट एंड एंड हील दिखता है एपरेंट वायरस डिफॉर्मिटी हो सकती है हील की ओपन स्किन लीजन या ओपन फ्रैक्चर्स भी देख सकते हैं पोस्टीरियर हील स्किन कॉम्प्रोमाइज होता है अगर टेंटिंग और एकमोसिस हो गई और लैक ऑफ स्किन ब्लांचिंग है वे ट्यूबरोसिटी फ्रैक्चर्स इसे अर्जेंट सर्जिकल रिडक्शन करना चाहिए नहीं तो पोस्टीरियर हील का स्किन नेक्रोस हो सकता है और फ्रैक्चर ब्लिस्टर्स भी देख सकते हैं ये डिब्राइड करने चाहिए और एपिथिलइज होने चाहिए प्रायर टू सर्जिकल इंटरवेंशन फिर पैल्पेशन करें तो डिफ्यूज टेंडरनेस होता है टू पैल्पेशन लैक ऑफ हील कॉर्ड कंटिन्यूटी देख सकते हैं एवलजन फ्रैक्चर में लैक ऑफ पोस्टीरियर हील स्किन ब्लैंचिंग दे सकते हैं अगर फ्रैक्चर टेंट कर रहा है स्किन को तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए असेस करना चाहिए अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो बट ये रेयर होता है प्रेजेंस ऑफ लैंगर्स लाइन और स्किन रिंकल सजेस्ट करते हैं स्किन अप्रोप्रिएट है सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए स्ट्रेंथ देखें तो डिक्रीज एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होता है स्वेलिंग के कारण वैस्क्यूलर एग्जामिनेशन करना चाहिए पेरीफेरल पल्स देखनी चाहिए अगर पेशेंट को सिवियर पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रिक्लूड हो सकता है ड्यू टू पुअर वुंड हीलिंग पोटेंशियल इमेजिंग में हम एक्सरेज करते हैं रिकमेंडेड व्यू होता है एपी लैटरल और ओब्लिक व्यू ऑप्शनल व्यू होता है ब्रॉडेंस व्यू ये अलाउ करता है विजुअलाइजेशन ऑफ पोस्टीरियर फेसिड ये यूजफुल होता है इवेल्युएशन के लिए इंट्रा ऑपरेटिव रिडक्शन पोस्टीरियर फेसिड का ठीक है कि नहीं एंकल को न्यूट्रल डॉर्सिफ्लेक्शन में और 45 डिग्रीज इंटरनल रोटेशन में रखते हैं और एक्सरे लेते हैं फोर्टी थर्टी ट्वेंटी और टेन डिग्रीज फ्रॉम सेफिला टू न्यूट्रल फिर हैरिस व्यू विजुअलाइज करती है ट्यूब्रोसिटी फ्रैगमेंट वाइडनिंग शॉर्टनिंग और वारस पोजिशन फुट को मैक्सिमल डोरसीफ्लैक्शन पे रखते हैं और एंकल को एक्सरे बीम 45 डिग्रीज पे रखते हैं एपी एंकल स्ट्रेट करता है लैट्रल वॉल एक्सट्रूजन कॉजिंग आप देख सकते हो डबल डेंसिटी साइन जैसे कि इस फोटो में देख सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है सब टेलर इनकॉग्रुविटी इंडिकेट करता है पार्शल सेपरेशन फैसेट का फ्रॉम सस्टेन किलम तेलाई लैट्रल पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर फैसेट कैल्किनियल शॉर्टनिंग देख सकते हैं वारस ट्यूबरोसिटी डिफॉर्मिटी देख सकते हैं डिक्रीज बोलर्स एंगल देख सकते हैं जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो एंगल होता है बिटवीन लाइन फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंटीरियर प्रोसेस टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर फेसेट प्लस लाइन टेंजेंशियल टू सुपीरियर एज ऑफ ट्यूबरोसिटी नॉर्मली ये बीस से चालीस डिग्री होता है रिप्रजेंट करता है कोलैप्स ऑफ पोस्टीरियर फेसिड फिर इंक्रीज एंगल ऑफ गिसेन भी देख सकते हैं जैसे आप इस फोटोज में देख रहे हो एंगल होता है बिटवीन लाइन ड्रॉन अलोंग लैटरल मार्जिन ऑफ पोस्टीरियर फैसेड प्लस लाइन एंटीरियर टू बीक ऑफ कैल्केनियस नॉर्मल होता है 120 ट्वेंटी टू वन डिग्री अगर ये एबनॉर्मल है तो रिप्रेजेंट करता है कोलैप्स ऑफ पोस्टीरियर फैसेड सीटी स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है टू टू थ्री एम कट्स लेने चाहिए थर्टी डिग्री सेमी करोनल व्यू डेमोन्स्ट्रेट करता है पोस्टीरियर और मिडिल फैसेट डिस्प्लेसमेंट एक्सियल डेमोन्स्ट्रेट करता है कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट और सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्यूब्रोसिटी डिस्प्लेसमेंट एम आर आई यूज करते हैं टू डायग्नोज कैल्केनियल स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल रेडियोग्राफ है या अनसर्टन डायग्नोसिस है तो आज का एपिसोड यही खत्म होता है अगले एपिसोड में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे आपको अगर ये एपिसोड और हमारा चैनल पसंद आए तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद